क्वेश्चन 21 देखिए, क्या कह रहा है। एट व्हाट पॉइंट ऑफ द एलिप्स 16x² + 9y² = 400 डज द ऑर्डिनेट डिक्रीजेज एट द सेम रेट एट विच एब्सिसा इंक्रीजेज। तो वो पॉइंट्स निकालने हैं जिस पर ये कंडीशन होगी। एब्सिसा होता है एक्स और ऑर्डिनेट होता है वाई। तो द गिवन एलिप्स इज, ये कर्व हमें दे रखा है, दैट इज 16x² + 9y² = 400। अब वो कह रहा है कि द रेट एट विच ऑर्डिनेट डिक्रीजेज, यानी जो डी वाई बाई डी टी है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन। किस रेट से? जिस रेट से एब्सिसा इंक्रीज हो रहा है, यानी डी एक्स ओवर डी टी। जिस रेट से ये इंक्रीज हो रहा है डी एक्स ओवर डी टी से, उतने रेट से ये डिक्रीज हो रहा है। ये कंडीशन हमें यहां पर दे रखी है। अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो यहां हो जाएगा, पहले पावर का करेंगे तो 32x dx ओवर dt, 18y dy बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, और dy बाई डी टी की जगह में माइनस का dx ओवर dt लिख सकता हूं। दोनों में से dx ओवर dt ले जाके इधर जीरो बन जाएगा, 32x - 18y = 0। इसको इधर ले जाइए, 2 से दोनों तरफ कैंसिल करेंगे तो 16x = 9y। ये कंडीशन यहां से आ गई। अब इस कंडीशन को जैसे ही आप फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो पॉइंट्स मिलेंगे। 16x की जगह हम रख सकते हैं 9y, या फिर 9y की जगह आप 16x रख लो। तो यहां पे हो गया 16x² + 9, और y जो y निकालें तो 16 by 9x, तो y का स्क्वायर हो जाएगा 16x² / 9² = 81। तो 9 से 9 टाइम इज इक्वल टू 400। दोनों में से 16x² कॉमन ले सकते हैं, तो 16 कॉमन लिया और x² भी ले लो। यहां बचा 1 + यहां बचा 16 by 9 = 400, और 16 से जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा, और यहां पे आ गया दिस विल बी 5। यहां बचा x² और ये हो गया x² = 9 + 16 by 9, यानी 25 by 9, और यहां पे आ गया आपका दिस विल बी x² = 25 × 9 by 25। तो x = ±3 यहां पे आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमें मिल गई तो y भी हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू को यहां रखें बारी बारी और y की वैल्यू निकालें। तो जब x आप 3 लेंगे सो द पॉइंट्स आर, तो हमारे वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे जब x को 3 लेंगे, तो 16 × 3 = 9y, 3 से 3 टाइम्स। इसको इधर ले आएंगे, y इज 16/3, एंड जब -3 लेंगे तो ये -16/3 आ जाएगा। तो ये वो पॉइंट्स होंगे जिन पर जो ऑर्डिनेट है वो उस रेट से डिक्रीज हो रहा होगा जिस रेट से एब्सिसा इंक्रीज हो रहा होगा।